नमस्कार न्यूज पर इंडिया में आपनुं स्वागत छे। हूँ छूँ आपनी साथे कुमार। सतेवाड़ी विस्तार में छरी मारवानी घटना अगाउ बनी हती। जे फरियाद में बूटलेगर पक्ष सामे पुलिस नमी रही छे तेवा आक्षेपो भोग बननार परिवार द्वारा करवामां आवी रह्या छे। अमदावादना फतेवाड़ी विस्तार में नजीवी बाबते बूटलेगरना छोकराए मोहल्ला में रहता एक छोकरा ने छरी मारी हती, जे बाद इजाग्रस्त युवक ने सारवार अर्थे हॉस्पिटल खसेड़वामां आव्यो। इजाग्रस्त युवक भाईए वेजलपुर पोलिस स्टेशन में फरियाद नोंधावी, जे फरियाद बाद परिवार द्वारा आक्षेप करवामां आवी रह्या छे। पुलिस द्वारा एक तरफ तपास करवामां आवी रही छे अने तेमने योग्य न्याय आपवामां नथी आवी रह्यो तेवो परिवारे मीडिया समक्ष आक्षेप कर्या छे। ज़ियाउल शेख से। क्या घटना बनी थी आपके साथ? एक्चुअली उस दिन शाम के टाइम पे वो एक लड़के को मार रहा था, छोटे से लड़के को, और उसकी छोटी बहन थी, वो टाइम पे मार रहा था उसको। उस टाइम पे मैंने सिर्फ उसको रोका था और उसके साथ दूसरा कुछ नहीं किया था। वो टाइम पे वो चले गए थे और सुल्ताना और उसके जो फादर है, तो क्या नाम उसका, वो राजू पतली, उसके फादर का नाम है, तो उसने ने मतलब धमकी दी थी वो टाइम पे कि तुझे मारने की। तो वो टाइम पे पता नहीं चला शाम को, रात के टाइम पे जब मैं 1:30 बजे यहाँ से घर खाली हो रहा था मेरे सामने, तो मैं घर खाली करके निकला, तो उसके साथ सामान लेके जा रहा था मैं, तो रास्ते में मैं अकेला था वो टाइम पे, उसने मेरे को मारा। तो आपने पुलिस स्टेशन में FIR की इसके बारे में? हाँ, FIR की थी पुलिस स्टेशन के अंदर, लेकिन पुलिस के FIR में पूरे चेंजेस है। मैंने जो FIR दी थी, क्या मांगे आपकी? जस्टिस और कुछ नहीं। तो पुलिस आपके साथ नहीं है क्या? नहीं सर। तो क्या आरोप लगाना चाहते हैं? पुलिस क्या कर रही है तो आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस आपके साथ नहीं है? सर वो हमको घुमा रही है, दूसरा कुछ भी नहीं। हमारे घर वाले कितनी बार पुलिस स्टेशन में जाके आए, लेकिन वो घुमा ही रहे बात को, एक भी बात से क्लियर नहीं कह रहे हो। क्या नाम है आपका? सद्दाम नाम है मेरा। जो हमला हुआ है वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरे बड़े भाई हैं। क्या घटना क्या थी? 17 तारीख की शाम को सब मेरा भाई ने सब दोस्त वगैरह बैठे थे, तो अयान जो है राजू पतली बूट लेकर उसका बेटा, वो एक बच्ची को और उसके भाई को हैरान कर रहा था। तो मेरे भाई ने उसको रोका कि तू बच्ची को और उसके भाई को हैरान मत कर, और वो दोनों को साइड में कर दिया। तो भाई को भी उसने मारने की धमकी दी और बेफाम गाली देने लगा। अब मेरा भाई वहाँ से सब उनको हटा के बचा के और चले गया। अब अयान घर गया तो उसके घर पर सुल्ताना नाम की लेडी है वो, और उसके अब्बा दोनों बोलने लगे कि तू इस तरह क्यों आया। बोले छुरी मार देनी चाहिए थी, जान से मार देना चाहिए था, इस तरह की धमकी देने लगे। अब सब बात पत गई शाम को। अब रात को सोसाइटी में फ्रेंड का मकान खाली कर रहे थे, तो सामान गाड़ी में लोड करके मेरा फ्रेंड और भाई दोनों गाड़ी पहुँचाओ हम आ रहे। अब ये लोग गए तो अयान के दादा ने मेरे भाई को पकड़ लिया कि तो बहुत बड़ा दादा हो गया, और गंदी गाली देने लगे। तो भाई ने बोला कि मैं तुमसे सुबह में बात करता हूँ, चाचा आपको कुछ मालूम है नहीं। अब मेरा भाई जाने लगा तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि और बुलाया अयान को कि अयान बाहर आ, जाऊल अकेला है, छुरी मार दे। तो अंदर से घर में से छुरी लेके आया और उसने भाई को मेरा मार दिया। जो बूट लेकर है राजू पतली, उसने बोला कि बोले मैंने तो बड़े बड़ों को बताया, बोले जाऊल क्या चीज़ है, बोले उसको मार दूँ, बोले फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे को, बोले बहुत केस है मेरे ऊपर, ये एक मर्डर का भी आ जाएगा तो बोले मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह मेरा भाई है ना वहाँ पे बेहोश होकर गिर गया। तब उनको लगा कि मेरा भाई मर गया है ना, वो लोग सब भाग गए वहाँ से। तो सोसाइटी के कुछ लोग आए और उन्होंने फिर भाई को ऐसे उठा के हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद हमारे को फ़ोन किया। इसके बाद आपने क्या कार्यवाही की? इसके बाद कार्यवाही की कि FIR हमने की। FIR में ऐसे जिस दिन पुलिस वाले आए FIR लेने, उस दिन पप्पा को यूँ बोला के बोले हमारे ऊपर उसका फ़ोन आ गया है, बोले अगर आपको समाधान करना हो तो समाधान कर लेना। अब ये कुछ समझ में नहीं आया कि ये अब्बा को क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले कि उसका फ़ोन आ गया है। अब हमने FIR की, उसके बाद अर्जी भी की, कमिश्नर सर के पास भी अर्जी की और DCP जोन 7 में भी अर्जी की है। 21 फेब को अर्जी कर दी थी। अभी कुछ खास उसका निकाल आया नहीं है, और पिछले 1.5 महीने से पुलिस स्टेशन जाके पूछ रहे तो बोल रहे हाँ दो दिन दो, बोले कर रहे, और उसका खास कुछ निकाल आया है नहीं। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, जस्टिस मिले। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बार बार फिर पप्पा को धमकी देते, मारने की धमकी दे रहा है। ये राजू पतली बूट लेकर है वो, बार बार जान से मारने की धमकी देता है। पप्पा को यूँ कहता है बोले अभी तो एक को मारा है, बोले दूसरे को भी बताऊँगा। नहीं फिर कोई पूछता है, सवाल करता है कि क्यों ऐसा बोल रहे हो, तो बोले कि बोले अपनों को डर नहीं है, बोले पुलिस तो बोले अपने जेब में, बोले इस तरह की धमकी देता है। पुलिस बोले मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी।
और घर की मेरी बहन, मेरी सिस्टर, भाभी, आंटी सब बाहर जाते हैं, अभी रमज़ान चालू है तो उसके कुछ काम से, तो पीछा करता है, पीछा करवाता है लोगों से कि कहाँ जा रहे, हम कहाँ जाते, उस इस तरह लोगों से पीछा करवाता है कि देखो ये कहाँ जा रहे, और इस तरह मेंटली भी हैरान कर रहा है। क्या नाम है आपका? मदीना खातून। जिस लड़के पे हमला हुआ है वो क्या होता है आपका? मेरा लड़का है, बड़ा लड़का। क्या वारदात हुई थी उस दिन? बस हम लोग 1:30 बजे रात की, शाम को थोड़ा बहसा बहसी हुई, एक छोकरी को मार रहा था, हैरान कर रहा था, तो इसने बोला कि ऐसा क्यों करता है लड़की को, बच्ची बहन जैसी है उसको मत मारने का, नहीं मत छेड़ो उसका, तो उसने इसको से बहसा बहसी करी, ना क्या बोले कि तू मेरे बीच में क्यों आया, बोले इसमें इतने में थोड़ा ये बोला कि इसमें तुम्हें तो अच्छे के लिए तेरे को बोलते हो ना, तो फिर क्यों छोकरी को हैरान करता है, तो इसने क्या काम करा कि उसने एक माँ बहन को गालियाँ बोल दिया, इसने ऐसा थोड़ा बोला कि ऐसा बोलेगा तो लेफड़ा नहीं मारा हल्का से, वो तेने क्या काम करा कि वो उसने छुरिया मारने के लिए धमकी दिया कि तेरे को तुम्हें मारा है ना, मेरे को, मैं तेरे को छुरिया से मार दूंगा ऐसा। क्या चाहते हो? अब मैं चाहती हूँ कि मेरा इंसाफ चाहिए, बार बार मेरा छोकरा को धमकी देता, अभी तो थोड़ा हुआ है, अब तो ज़्यादा जान से मार दूंगा ऐसा। कौन धमकी देता है? और राजू पतली ने धमकी देता है, अभी तो थोड़ा हुआ है, अब तो ज़्यादा मार दूंगा, सांपे ख़त्म कर दूंगा, कौन मेरा क्या कर लेगा, हम देख लेंगे सबको, ने पुलिस वाले ने भी बोलो हमारे जेब में है, हम कौन क्या करेगा ऐसा बोलता है वो, तो हम छोकरा का थोड़ी खोले दे, अपना उसको छोकरा का जितना मोहब्बत है, हमारे भी उतनी मोहब्बत है ना अपने मेरे बच्चों के। क्या